हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टू बन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा पावर शेयर्स के बारे में। तो अभी देख सकते हैं टाटा पावर किस तरीके से मार्केट में परफॉर्मेंस बनाते हुए दिख रही है, एक बहुत ही ऊपर जाते हुए दिख रही है। आज के दिन हमें 265 रुपीज तक जाते हुए दिखी है। टाटा पावर एक टाइम पे 275 भी पहुंच गई थी और एक टाइम पे 180 पे भी पहुंच गई थी। शेयर्स पे ध्यान दे तो यहाँ पे देख सकते हैं 180 तक भी पहुंची हुई थी, बस कुछ महीनों पहले की बात है। और यहाँ से मैं आप लोगों को बताया था कि मतलब यहाँ टाइम का रेसिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में बात किया था, तो यहाँ से ब्रेक होते हुए जैसे ही दिखी, मतलब इस पॉइंट पे फिर से यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला और यहाँ से ब्रेक होते हुए दिखी और उसके बाद गजब की तेजी देखने को मिल गई हमें टाटा पावर में। बट अभी के टाइम में जैसा फ्लो है मार्केट में, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे थे कि क्या इसके आगे 300 तक की तेजी दिखाएगी कि नहीं, तो सबसे पहले टाटा पावर को लेकर मैं बता देता हूँ। जैसा G20 का बातचीत चला है मार्केट में, और इनफैक्ट जो भी टाटा पावर के पास प्रोजेक्ट आने वाली है फ्यूचर में, ईवी सेक्टर जिस तरीके से बढ़ने वाली है उस तरीके से टाटा पावर भी बहुत ही मेजर स्टॉक प्ले करने वाली है, मतलब बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाली है फ्यूचर ग्रोथ इकोनॉमी में। यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे मैं आप लोगों को 220 पे ही बताया था कि यहाँ पे एक राइट टाइम टू इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे राइट टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो उसके बाद से जो तेजी बना है 220 के बाद से बहुत ही गजब की तेजी है। अच्छी खासी टाटा पावर ऊपर तो जाते हुए दिखी है, बट अभी क्या ये ट्रेंड और भी ऊपर जाते हुए दिखेगी? तो सपोर्ट और ट्रेंड सबके बारे में जानेंगे, इसलिए बोलना हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए फॉर माय लेटेस्ट अपडेट। और आप लोग ये लगातार वीडियो अपलोड होती रहती है तो भूलिएगा नहीं, पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे मैं बात करूँ टाटा पावर के बारे में, जस्ट वेट, ये थोड़ा सा जूम इन हो गया था या तो यहाँ पे अगर मैं टाटा पावर के बारे में बात करूँ तो देख सकते हैं किस तरीके से मेंटेन की हुई। यहाँ पे इसकी सबसे मेजर स्ट्रांग सपोर्ट आ रही है। मेजर स्ट्रांग सपोर्ट क्या है तो यहाँ पे देख सकते हैं इस, ये यहाँ पे 260 बहुत ही मेजर स्ट्रांग सपोर्ट है। और उसके नीचे मैं बात करें तो मतलब वो रेंज बहुत ही है, 260 टू 255 का जो रेंज, इसका बहुत ही मेजर स्ट्रांग सपोर्ट है। क्योंकि अगर ये ब्रेक होते हुए दिखती है तब ये डायरेक्टली 240 पे आके रुकेगी, और 240 पे आके रुकती मतलब 240 से लेके 245 के रेंज में आके रुकेगी, और उसके बाद से अगर वहां पे भी ब्रेक होती है तो डाउन ट्रेंड बना सकती है मार्केट में। अब ये सब तो बात की बात है, बट टाटा पावर में अभी के टाइम में इतनी ऊपर होने के बाद भी होल्डिंग्स कितनी बन रही है तो देख सकते हैं 45.83% की होल्डिंग्स, अच्छी खासी होल्डिंग्स बनते हुए दिखिए, जो सबसे अच्छी बात है। मतलब इतनी अच्छी खासी होल्डिंग्स, मतलब आप समझ जाओ कि अभी टाटा पावर में ऐसे भी पोटेंशियल है शेयर्स में, और अभी बायर्स कहीं कम नहीं हो रहे, बायर्स बाइंग पे बाइंग किए हुए हैं कि फ्यूचर में इसका टारगेट जो 300 तक का टच करने का बना दे। अब आगे की और बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं टाटा पावर की फर्दर सारी चीज, तो यहाँ पे बीच में हमें डिविडेंड देते हुए दिखी थी टाटा पावर, और उसके बाद से तो तेजी ही देखने को मिल रही है। तो अभी शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब आगे के मनी कंट्रोल की तरफ से देख लेते हैं कितना परसेंट बाइंग और कितना परसेंट सेल के बारे में बात किया हुआ है। यहाँ पे बात करें 73% बाइंग, 18% सेल एंड 9% होल्ड। मैं होल्ड पे ज्यादा ऑप्शन बोलूंगा। अगर अभी आप लोग बाइंग का सोच रहे हैं तो बाइंग का भी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये जल्दी ही 300 टच करने का चांसेस बना रही है। बट उससे पहले कुछ और भी चार चीज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं, अच्छी खासी बनी हुई है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साइड बात करें तो सेम तरीके से रेशियो मेंटेन की हुई है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी सेम तरीके से मेंटेन किए। बट पब्लिक इन्वेस्टमेंट में देख सकते हैं लास्ट टाइम से थोड़ी सी गिरावट हुई है, तो यहाँ पे ऑल ओवर अगर बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को ही मिल रहा है प्रमोटर होल्डिंग सब जगह से। बट एक क्या है, यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ते हुए दिख रही है बट नेट प्रॉफिट में कोई उतनी तेजी नहीं है, ये चीज समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईपीएस में भी कोई खास तेजी, मतलब ईपीएस में ऑफकोर्स तेजी बनते हुए दिखी है, बट जो लेवल पे रहना चाहिए उस लेवल पे नहीं है अभी के टाइम पे। शेयर्स की बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते जस्ट वेट या तो बुक वैल्यू 90 रुपीज पे है शेयर्स की बुक वैल्यू, और शेयर्स ऑलमोस्ट अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। और अगर आगे के साइड बात चार्ट पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझे तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरीके से तेजी बनाई है मार्केट में, तो यहाँ पे तो आपका मस्त ऊपर जाने का चांसेस बन रहा है। बट यहाँ पे एक और जो ऊपर में रेसिस्टेंस क्रिएट हो रही है वो इस पॉइंट पे, इधर से एक बहुत ही जोरदार तेजी पहले भी टाटा पावर में देखने को मिला जो 300 तक की है। तो अभी ये आराम से 300 तक का टारगेट बना रही है, आपको प्रॉफिट गेन करना है तो आराम से आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, और अच्छा खासा प्रॉफिट गेन होते हुए दिख सकता है आपको मार्केट में। तो इस पार्ट को लेके कोई भी टेंशन की बात नहीं है, और कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इनफैक्ट बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा। यहाँ पे ONGC
के बारे में भी वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने, तो आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इनफैक्ट आई बटन पे भी मिल जाएगी। और यहाँ पे एक और वीडियो है IRFC शेयर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, तो जाके देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे 22 से 77 रुपीज जो शेयर्स गई है, मतलब पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन किस तरीके से गई और कैसे एनालाइज किए थे, ये सब के बारे में मैंने बताया है, तो प्लीज जाके वो भी वीडियो वॉच कीजिए। तो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस।